ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। खबर गाजीपुर से है, जहां आज भाजपा जिलाध्यक्ष सुनील सिंह ने जिला कार्यालय छावनी लाइन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन विषय पर आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि गाजीपुर की जनता उस क्षण का बेसब्री से इंतजार कर रही है जब पीएम मोदी आएंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी आगमन हो रहा है। साथ ही उन्होंने इस आयोजन की तैयारियों के विषय में भी बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी देश के 140 करोड़ जनता को अपना परिवार मानते हैं और कहते हैं उनके जीवन का क्षण क्षण इस देश को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा कि ऐसे सशक्त नेता लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, इसके लिए देश की जनता ने यह संकल्प लिया है। इस अवसर पर सहारनपुर के विधायक राजीव गुंबर, लोकसभा संयोजक कृष्ण बिहारी राय, रैली संयोजक भानु प्रताप सिंह एवं जिला मीडिया प्रभारी शशिकांत शर्मा उपस्थित थे। यशस्वी प्रधानमंत्री जी हम सबके मध्य आए, सामने गरीबों की अपनी गाजीपुर कार्यालय होगी जो यहाँ देखने से लग रहा है की पूरी जनता अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन करने के लिए आतुर है। और मुझे यहाँ के जैसे कार्यकर्ताओं से मेरा मिला और यहाँ के जनसंपर्क में मेरा जाना हुआ तो मुझे लग रहा है कि गाजीपुर की जो अपनी जनसभा है ये ऐतिहासिक होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत भी करेगी, अभिनंदन भी करेगी, उन्हें आशीर्वाद भी देगी और निश्चित रूप से एक कमल यहाँ से अपने गाजीपुर से खिलाने का काम भी करेगी। किस तरह का कार्यक्रम है, क्या क्या मिनट टू मिनट कार्यक्रम रहेगा? मिनट टू मिनट सभी आ जाएगा, तो एक बार आप सबको एक बार दे दिया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक साथ उत्तर प्रदेश के इतना दिया है कि अभी आ जाएगा कार्यक्रम की तीसरी अर्थव्यवस्था बने, उसके लिए हम सब का जो एक अच्छा संदेश है क्योंकि चुनाव देश के लिए होता है, चुनाव किसी जाति या किसी व्यक्ति के लिए नहीं होता, चुनाव देश के लिए होता है, देश के विकास के लिए होता है। तो आप सबके माध्यम से मैं अपील करूंगा कि अधिक से अधिक एक बार यहाँ की जनता जगह जनता है माननीय प्रधानमंत्री सुने, उन्हें आशीर्वाद भी दे ताकि यहाँ से ऐतिहासिक एक विजय हो और जो माननीय भी अपनी मोहर लगाए मुल्क के फूल का बटन दबाए। गाजीपुर में प्रधानमंत्री जी का 2 बजे का कार्यक्रम है, ऐसे में चिलचिलाती धूप, क्या लगता है क्या कितनी जनसंख्या हो पाएगी? वो माननीय प्रधानमंत्री जी की तो स्वीकार्यता लोकप्रियता इतनी है कि वो जहाँ भी जाते हैं और गर्मी या कोई परिस्थिति में कोई विषय नहीं रहता, तो संख्या का आकलन तभी होगा, लेकिन ऐतिहासिक ये रैली रहने वाली है। मैं तो कहूँगा पूरे उत्तर प्रदेश में जो रैलियाँ हैं सबसे ऐतिहासिक रैली अपनी है गाजीपुर की रहेगी, यहाँ की जनता का यहाँ के कार्यकर्ताओं का जो देखने से लगता है। क्या लगता है सर कि गाजीपुर से पूरे पूर्वांचल को प्रधानमंत्री निशाना लगाएंगे? नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जो देश के किसी भी हिस्से में जाते हैं तो पूरा देश उनकी सुनता है, वो किसी भी पूर्व से पश्चिम उत्तर से दक्षिण माननीय प्रधानमंत्री जी कहीं भी जाते हैं तो उसके उनके वक्तव्य से उनका जो उद्बोधन रहता है या जहाँ जो अपना विषय रखते हैं उससे पूरा देश प्रभावित होता है, तो पूर्वांचल का पूरा देश उनका है। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते भी मेरा कोई परिवार नहीं, मेरा 140 करोड़ देशवासी को मेरा परिवार है, मेरे वारिस भी मेरे 140 करोड़ देशवासी, मेरा पल पल मेरा क्षण क्षण मेरे देशवासियों को समर्पित है। मैं एक उनका बहुत भावनात्मक उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया था, हम सब लोग जब देश आजाद हुआ उस टाइम नहीं जन्मे तो देश के लिए बलिदान नहीं हो सके, लेकिन हम देश के लिए जी सकते हैं और मेरा हर क्षण इस देश को देश के विकास के लिए इस देश की 140 करोड़ जनता के लिए समर्पित है। सर नारा 400 पार गाजीपुर शामिल है? गाजीपुर उसमें बिल्कुल रहेगा और बिल्कुल एक कहते हैं ना सबसे अधिकतम वोटों के साथ गाजीपुर रहेगा उसमें और बिल्कुल सुशोभित रहेगा। और जो अभी जैसे बताया माननीय जिलाध्यक्ष जी ने कि यहाँ का 19 से 24 के बीच का जो विकास होगा या यहाँ के जो ऐसे निकम्मे जनप्रतिनिधि बने तो दोबारा जनता चाहती है उनके क्षेत्र का विकास हो, जो विकास एक बार दूसरा था पहले 14 से 19 के बीच में हुआ था वो शेष अब 24 से शुरू हो गया, उन्हें यहाँ का विकास हो। हर कोई देश हर कोई चाहता है कि उसके क्षेत्र का विकास हो, हर कोई चाहता है वहाँ शिक्षा के अवसर मिले, हर कोई चाहता है वहाँ मेडिकल की सुविधाएं हो, हर कोई चाहता है शिक्षा के समान अवसर सर मिले। और माननीय प्रधानमंत्री जी आप सब देखेंगे जितनी भी जनकल्याणकारी योजनाएं चली हैं वो किसी जाति धर्म को देखकर नहीं चली, वो सारे देश मेरा परिवार है, मेरा
अपना मेरे अपने हिस्से हैं, मेरे इस देश के वासी हैं और मेरी उनके प्रति जवाबदेही है। मैं जनसेवक हूँ, मैं इस देश का प्रधान सेवक हूँ, तो मेरा कर्तव्य बनता है, अब चाहे कोरोना काल का हो, चाहे जन कल्याणकारी गरीब कल्याण का हो, कोई भी बिना डेर विकास नहीं किया है और बिना भ्रष्टाचार के वो सारी योजनाएं नीचे तक पहुँची। तो ऐसे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री को, ऐसे अपने कहते हैं दुनिया के सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री को, जिनकी स्वीकार्यता, जिनकी लोकप्रियता इस देश में नहीं, पूरी दुनिया में, आज पूरी दुनिया अगर माननीय प्रधानमंत्री जी को कहते हैं तो पूरी दुनिया उस बात का नोटिस लेती है, उनका सम्मान करती है और उसका आकलन भी करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के द्वारा एक विषय कहा गया है तो इसके पीछे जरूर कुछ विशेष उद्देश्य होगा। तो ऐसे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी से क्रांतिकारी धारा पे आ रहे हैं, तो आप सब भी आमंत्रित हैं और पूरा अपना गाजीपुर की महान जनता से भी इनसे अनुरोध करें, वे भी आए और अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन करें और उन्हें आशीर्वाद दें कि और यशस्वी बने और अधिक यहाँ से ऊर्जा उत्साह लेके जाए और निश्चित रूप से जहाँ जान के चल रहे हैं निश्चित रूप से विजयी होगा और यहाँ से कमल का फूल निश्चित रूप से खिलेगा, जो भ्रष्टाचार से बाहर होगा उसमें गाजीपुर का भी बड़ा योगदान। 2014 में आप प्रभारी बनाए गए थे, 2019 के बीच चुनाव में आप आए थे, इस बार फिर संजोग ये बन रहा है कि आप फिर एक बार चुनाव प्रभारी बनाए गए, तो क्या लग रहा है समीकरण ये बन रहा है कि गाजीपुर संगठन का एक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी लगाई जा रही है, उनसे उसमें कोई भी कार्यकर्ता के नाते सहयोग के नाते आ सकता है, उससे कोई ऐसा फर्क नहीं, लेकिन यहाँ आने के बाद ध्यान में आई है कि इस तरह से गाजीपुर जैसा हमारा पहले था यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है और एक जैसे भी ऐसे विषय हैं उनके बोलने का और उनका जो इतिहास रहा है उनसे देख कर लगता है कि कई बार ऐसे जनप्रतिनिधि बंद कैसे जाते हैं, समाज को थोड़ा सा खुद भी आकलन उसका, यहाँ जनता में एक बड़ा बदलाव है, जनता विकास चाहती है, जनता सम्मान चाहती है, जनता देश के साथ चलना चाहती है और जनता चाहती है कि माननीय प्रधानमंत्री जैसा प्रधानमंत्री एक सौभाग्य से एक युवक मिलता है जिनके कार्यकाल में एक समरसता का भाव, एक परिवार का भाव और एक विकास का जो क्रम शुरू हुआ है वो निरंतर बढ़ता रहे, मेरा देश विकसित भारत बने, मेरा देश दुनिया का तीसरी अर्थव्यवस्था बने। तो ऐसे हर कोई गाजीपुर का युवा, महिला, किसान, गरीब सब यही चाहते हैं कि मेरे प्रधानमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन करें और उन्हें आशीर्वाद के रूप में यहाँ की जीत के लिए उन्हें एकदम आश्वस्त भी करें। धन्यवाद यशस्वी प्रधानमंत्री जी, हम सब लोगों के बीच में गाजीपुर की सम्मानित जनता को आशीर्वाद देने के लिए, गाजीपुर की जनता का आशीर्वाद लेने के लिए इस भाव से कि इस बार सरकार बनना आए हैं गाजीपुर की भी सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए, इस नाते गाजीपुर की सम्मानित जनता का आशीर्वाद लेने के लिए हम सबके बीच में दिन में 1:30 बजे पुलिस लाइन ग्राउंड से सटा हुआ RTI ग्राउंड उपस्थित होने वाले हैं, जहां हम सब लोगों की तैयारी चल रही है, सभी लोग उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समर्थक अनेक स्थानों पर रैली स्थल पर भी पूरी तैयारी प्रारंभ हो चुकी है। अध्यक्ष जी, PM की रैली से पहले भूमि पूजन कर क्या बताएंगे, क्या लगता है? ये सामान्य प्रक्रिया है, दूसरे को यह अद्भुत लगता है, हम सब लोग कभी भी कोई शुभ कार्य करते हैं तो ये अपनी संस्कृति है और संस्कार है, क्योंकि जब हम इतने बड़ा कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहे हैं तो सब कुछ ठीक प्रकार से संपन्न हो, इस कारण से हम सब लोगों ने भूमि पूजन किया है। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि PM की रैली में काफ़ी भीड़ होती है, इससे पहले अगर हम बात करें तो प्रयागराज में जिस तरीके से राहुल गांधी, अखिलेश यादव के रैली में जो देखने को मिला था, इसको कैसे मैनेज किया जा सके इस तरह का ना घटना हो? ये सामान्य विषय है, ये हमेशा उनकी रैलियों में देखने को मिलता है, कोई पहली बार ना सुनने को मिल रहा है ना देखने को मिल रहा है, क्योंकि उनके पास जो लोग हैं और वो जैसे हैं उसी प्रकार का, क्योंकि जो जैसे वो लोग हों ऐसे उनके कार्यकर्ता भी उसी भाव से उनके पास दिखाई देते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी की रैली में या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के पदाधिकारी के रैली कार्यक्रम में इस प्रकार का कोई भी ये नहीं होता है, सब लोग शांतिपूर्वक आते हैं, शांतिपूर्वक इसलिए कि वो सुनने के लिए आते हैं, वो सुन करके सब लोग शांतिपूर्वक अपने अपने स्थानों पर जाएंगे, इसके लिए कोई अलग से व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है, सभी आने वाले लोग स्वयं इसके लिए आतुर हैं कि प्रधानमंत्री जी को केवल सुनना है। सर, 2019 में और 2022 के चुनाव में जिस तरीके से उसी ग्राउंड से प्रधानमंत्री ने रैली को संबोधित किया था, रिजल्ट जो है ठीक NTI था, तो इस बार क्या लग रहा है सर? ये पहले भी हम सब लोगों ने मंच से कहा कि 2019 का चुनाव
2022 के चुनाव से परिस्थितियां देश के अंदर बदली हुई है। अब आम जन को और गाजीपुर की जनता 2019 में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को अपना अपार प्यार स्नेह वोट के रूप में दी थी, यह सबको सर्वविदित है कि 1,46,000 वोट हम लोग ज़्यादा पाए थे 2014 के चुनाव के अपेक्षा, फिर भी परिणाम किसी कारण से हम सब लोगों के विपरीत था। लेकिन अब गाजीपुर की जनता 2019 से 2024 के बीच में जिस प्रकार से विकास से शून्य हो गई है, विकास जिस प्रकार से गाजीपुर का शून्य हो गया है, इस नाते गाजीपुर की जनता ने भी मन बनाया है कि देश के साथ राष्ट्रवाद के साथ हम सब लोगों को गाजीपुर की जनता को भी चलना है और इस नाते 2024 में भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है। गाजीपुर में जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ने सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के सिंबल अपनी बेटी को दिलवाए हैं, तो क्या लगता है इसमें बीजेपी को किस तरीके से नुकसान कर पाएंगे और नहीं तो बीजेपी उसको कैसे मैनेज करेगी? सर, भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई नुकसान नहीं होना, बल्कि ये उनके हताशा का परिणाम अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि अभी से उनको अनेक प्रकार के, अभी कुछ दिन पूर्व क्या बोल रहे थे और अब जो है उनको अनेक प्रकार के प्रोपेगेंडा अपनाना पड़ रहा है ताकि किसी प्रकार से हम लड़ाई में बने रहें, और इस नाते इस प्रकार के वो कार्य कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का कार्यकर्ता, हमारे गठबंधन के सभी अन्य दल, चाहे वो निषाद पार्टी हो, लोक दल हो, सभी अपना दल हो, सभी गठबंधन के दल के कार्यकर्ता जन जन तक जा करके इस बात को बताने का काम कर रहे हैं कि अब की बार इस लोकसभा में जो है चुनाव निशान कमल का फूल है और कमल के फूल के सामने वाली बटन ही हम सबको दबाना है। क्या लगता है बीजेपी के सामने सपा होगी या निर्दल? इस बात को आप सब लोग हमसे ज़्यादा जानते हैं, इसको हमें कहने की आवश्यकता नहीं है। जैसी परिस्थितियाँ, वो खुद अपनी परिस्थितियों को बार बार बयां कर रहते हैं, यह प्रश्न उनसे पूछा जाएगा तो ज़्यादा उचित रहेगा। अध्यक्ष जी, 2019 में जाति बना विकास मुद्दा था, लेकिन उसमें जाति जीतने की विकास पीछे छूट गया, क्या लगता है इस बार 2024 के चुनाव? ये बात मैंने आपको पहले ही कह दिया कि इसी कारण से गाजीपुर की जनता इस बार आतुर है भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए, क्योंकि गाजीपुर की जनता जिस प्रकार से ठगी गई 2019 से 24 के बीच में, इस कारण से ही इस बार हमको यह चुनाव बहुत सरलता से दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। क्या लगता है कि गाजीपुर समेत 400 पार? ये एकदम स्पष्ट है, इसमें कोई अलग से पूछने की आवश्यकता नहीं है। ये पहले से कह रहा हूं कि 400 पार तो होना है, गाजीपुर का भी उसमें एक कमल का फूल रहने ही वाला है। गाजीपुर से सीनियर संवाददाता हसन खान की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।